नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट लॉर्ड के और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज़। आज का पहला न्यूज़ है हुआवे की तरफ से। हुआवे की तरफ से ऐसा पता चल रहा है कि जुलाई 26 को हुआवे अपना पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, जिसका नाम होगा हुआवे मेट 20X। तो देखते हैं कि हुआवे किस प्राइस रेंज में चाइना में स्मार्टफोन लॉन्च करता है और ग्लोबली स्मार्टफोन अवेलेबल करता है या फिर नहीं। अगला न्यूज है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो अपना के सीरीज का थर्ड जनरेशन स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है ओप्पो K3। और इसके स्पेसिफिकेशन से 33 इंची फुल HD प्लस डिस्प्ले, 6GB रैम, 64GB मेमोरी, 16+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और बैटरी है लगभग 3700 mAh। तो देखते हैं ओप्पो किस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करता है। मुझे लगता है ये स्मार्टफोन अमेजन एक्सक्लूसिव होगा। अगला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi अपने एंड्रॉइड 1 डिवाइस का थर्ड जनरेशन लॉन्च करने वाले है, मतलब Mi A3 लॉन्च करने वाला है, जो कि अगले हफ्ते होगा, क्योंकि Mi A2 लॉन्च होने के लगभग एक साल हो चुका है और अब वक्त है Mi A3 आने का। तो देखते हैं Xiaomi किस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन लॉन्च करता है। मुझे लगता है कि 10,000 से 15,000 के बीच में ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा। अगला न्यूज भी Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने इंडिया में अपना Mi सुपर बस वायरलेस हेडफोन को लॉन्च करने वाला है 15 तारीख को, और 23 तारीख को एक वाटर TDS टेस्टर लॉन्च करने वाला है। तो देखते हैं कि Xiaomi किस प्राइस रेंज में ये दोनों डिवाइस लॉन्च करता है, और अगर वो TDS डिवाइस लॉन्च हुआ तो मैं तो एक जरूर खरीदूंगा रिव्यू के लिए। अगला न्यूज है Samsung की तरफ से। Samsung A50s जो कुछ हफ्ते में लॉन्च होने वाला है, तो AnTuTu सर्टिफिकेशन साइट में इसका बेंचमार्क हुआ है और इसका बेंचमार्क स्कोर है 1,51,000 के आसपास। और ऐसा पता चला है कि और दो गैलेक्सी A-सीरीज स्मार्टफोन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो देखते हैं Samsung किस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन इंडिया में और ग्लोबली लॉन्च करता है। अगला न्यूज है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो आप लोग विंडोज जब इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों में से बहुत लोग विंडोज में पासवर्ड देते हैं कि लॉगिन को दूसरे लोगों से रोकने के लिए, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करना चाह रहा है कि जिसे आपकी सिक्योरिटी भी बढ़े लेकिन आपको पासवर्ड देने की जरूरत भी नहीं पड़े। तो देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कितने जल्दी ऐसा अपडेट पुश करता है। अगला न्यूज है गूगल की तरफ से। तो गूगल एंड्रॉइड क्यू के बीटा 5 जो पिक्सेल डिवाइसेस है वो आज से ही जाना शुरू हो गया है। और एक दूसरा न्यूज ऐसा है कि जिन पिक्सेल स्मार्टफोन में ये बीटा अपडेट अब तक आ चुका है, उस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए गूगल ने इस बीटा अपडेट का रोल आउट अभी के लिए रोक दिया है। तो देखते हैं एंड्रॉइड क्यू का ऑफिशियल रोल आउट कब तक होता है गूगल पिक्सेल स्मार्टफोन के लिए और दूसरे डिवाइस के लिए भी। अगला न्यूज है एप्पल की तरफ से। एप्पल की तरफ से ऐसा न्यूज आ रहा है कि 2020 में जो भी एप्पल स्मार्टफोन आएगा उसमें जो नॉच और भी छोटा होगा, मतलब ड्यू ड्रॉप नॉच होने की उम्मीद है, जो रियर कैमरा लेंस होगा उसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और एक ऐसा न्यूज आ रहा है कि 2011 तक जो आईफोन आएगा उसमें 100% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आएगा। अब देखते हैं एप्पल किस प्राइस रेंज में ये सारे आईफोन लॉन्च करता है और इसके लिए एप्पल कितने लाख रुपए मांगता है। अगला न्यूज है एंड्रॉइड सिक्योरिटी रिलेटेड। एजेंट स्मिथ नाम का एक नया मैलवेयर पाया गया है, जो कि सिर्फ व्हाट्सएप में ही अटैक कर रहा है, दूसरे जो ब्राउजर है उसमें अटैक कर रहा है। अगर आप कोई भी ऐप गूगल प्ले स्टोर के अलावा दूसरे ऐप स्टोर से डाउनलोड करें तो हो सकता है आपके फोन में ऑलरेडी ये मैलवेयर आ चुका है। ये मैलवेयर आपके फोन में इंस्टॉल होने के बाद आपको पता चलेगा तभी जब आप व्हाट्सएप खोलेंगे और बहुत सारे ऐड आपको दिखाई देगा, इसका मतलब वो मैलवेयर आपके फोन में आ चुका है। इस मैलवेयर के बारे में पूरा डिटेल्स पाने के लिए और इसे कैसे रिमूव किया जाए इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में एक और वीडियो का लिंक आएगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगला न्यूज है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 के बारे में। तो जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं कि गैलेक्सी नोट 10 कैसा दिखता है सामने से और पीछे से, पूरा इस पिक्चर में आया है और इससे ऐसा कन्फर्म हो गया है कि जो ऑडियो जैक वो बिल्कुल भी इस बार नहीं रहेगा। तो देखते हैं 8 अगस्त को सैमसंग कितने प्राइस में अपने गैलेक्सी डिवाइसेस लॉन्च करता है। अगला न्यूज है रियलमी 3i से। फ्लिपकार्ट पे रियलमी 3i कैसा दिखने वाला है इसका एक पिक्चर आ चुका है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें जो फीचर्स होगा वो एक डायमंड का डिजाइन और 4230 mAh बैटरी। और मुझे लगता है ये वाला स्मार्टफोन का प्राइस 6000 से 8000 के बीच में होगा। तो देखते हैं किस प्राइस रेंज में Realme ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करता है। तो आप सुनते हैं साइंस रिलेटेड न्यूज। तो सऊदी अरेबिया के एक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसा सोलर प्लेट बनाया है जो सूरज से तो जो पावर लेगा वो प्लेट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो एक्सेस पावर होगा उससे बांह के पानी को प्यूरिफाई कर सकता है, मतलब बांह पे जो पानी का जो प्रॉब्लम है वो इस तरह के सोलर प्लेट से मिट सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि सोलर प्लेट टेक्नोलॉजी में कितने इंप्रूवमेंट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसान तो परेशान है ही, दूसरे जानवर भी परेशान
परेशान है, अब तो ऐसा ही उड़ा रहा है कि जो कोरल समुद्र में वो भी परेशान है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो गर्मी के इलाके वहां से छोड़कर जो थोड़े से ठंडे इलाके है, अब जो कोरल रीफ है वो पूरा इधर से उधर जा रहे हैं, वो ठंडे इलाके में जाके अपने कोरल रीफ बना रहा है। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इसे जियोग्राफिकली बहुत ही इंपैक्ट पड़ेगा उन सारे देश को जहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। और आजकल लास्ट न्यूज है चंद्रयान 2 के बारे में। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं इंडियन साइंटिस्ट इस चंद्रयान 2 को ले जाने के लिए अपना जो बाहुबली रॉकेट है वो टेस्टिंग कर रहे हैं और इसके फाइनल प्रोसेस है, क्योंकि 15 जुलाई को ये रॉकेट स्पेस पे जाने वाला है। तो 15 जुलाई में इस स्पेस लॉन्च के बारे में तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज का टेक न्यूज यही तक, उम्मीद है आज का न्यूज आपको पसंद आया होगा। अगर ये न्यूज आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपके जो भी विचार है इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।